push till I get up. Time is barely on our side. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on.
अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट में आप लोगों ने गेम प्ले तो देख ही लिया होगा। आज आपके लिए मोड लेकर आए GTA San Andreas न्यू एडिशन मोड। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर देना ताकि आने वाली हर न्यू से न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स सब चलते हैं डाउनलोड की तरफ। तो फ्रेंड्स मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वन लिंक दूंगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे मेरी ब्लॉगर वाली वेबसाइट पर। यहाँ पर आपके सामने मूड आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपको कुछ फ्यूचर्स मिलेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक इसमें आपको न्यू गन्स मोड मिलेगा, ठीक है, उसके अलावा न्यू ग्राफिक्स मोड और न्यू सीजे, ठीक है, और न्यू बाइक्स, न्यू रेज, ठीक है, उसके अलावा न्यू हुड और न्यू चीट मेन्यू और न्यू 3D मैप। और अब बात करते चले इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट की। इसमें जो है आपको इंटेल कोटोडू हो जाए आपके पास, ठीक है, उसके अलावा जो है इसमें रैम हो जाए 2 GB, ठीक है, उसके अलावा ये ऑल विंडो पे वर्क करेगी और ग्राफिक्स कार्ड कम से कम आपके पास 512 MB का होना चाहिए, ठीक है, और टोटली जो इसका साइज़ है 200 MB में। क्लिक हेयर पे आपने वन क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने आ जाएगा क्लिक हेयर, आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कुछ ही सेकंड्स वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा गेट लिंक, आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इधर आपको गूगल का और मीडिया फायर का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स जब आपके पास मूव डाउनलोड हो जाएगा तो आपके सामने आ जाएगी विनरार की फाइल, आपने सिंपली इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने आ जाएगा फोल्डर, आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है। इधर आपको ये मूव नज़र आ रहा होगा, ठीक है, आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इधर से आपने कम्प्लीट फाइल्स को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो है अपनी GTA San Andreas के फोल्डर में पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मेरे सामने आ रहा है रिप्लेस, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये जो है हमारा मोड इंस्टॉल हो चुका है, मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। आपने अगर आपके पास विंडो 7 है या 8 है तो आपने GTA San Andreas के आइकन से प्ले करना है। अगर आपके पास है विंडो 10 तो आपने रन एडमिन 4EMV से प्ले करना है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं हमारा जो मोड है 100% वर्क में है और मोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब बात करते चलें इसमें चीट मेन्यू की। अगर आप यहाँ पे F2 को प्रेस करते हो, ठीक है, यहाँ पर आपके सामने चीट मेन्यू आ जाएगा और इधर से आप वेपन्स वगैरह भी इसके देख सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट वेपन्स जो हैं इसमें आपको न्यू मिलेंगे, ये आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।